हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि पर्टिकुलर मैं इस वीडियो में जिस कंपनी की बात करूंगा अपने वीडियो के डिस्कशंस में, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं रहेगी कि आप उन कंपनियों के शेयर को खरीदें या बेचें। कृपया आप अपना डिलीजेंस अवश्य कर लें। दिस वीडियो इज मेकिंग ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। यहाँ पे किसी को कोई एडवाइस नहीं दी जाती है मेरे चैनल के द्वारा, और आप अपना डिलीजेंस अवश्य करें। सो आज जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है या फिर आपकी इन्वेस्टिंग बेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, मतलब मैं कि आप किस तरह से अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हो। एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न्ड, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हमने स्टॉक खरीदा और हमने उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, 10-15-20 साल के लिए, मतलब बेचने का कोई इरादा नहीं है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। बिकॉज उसमें कभी डिविडेंड की अर्निंग आती है, शेयर का प्राइस का एप्रिसिएशन होता है, कंपनी भी लार्ज होती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग हो जाता है। और जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, एज माई वीडियो मोस्ट ऑफ द वीडियो आर मेकिंग फॉर द स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि वहाँ से रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। सो आज हम आपको बताएंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है मेरे हिसाब से, और बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिलीजेंस अवश्य करेंगे। सो सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक वन ऑफ द ग्रेट बैंक है, नो डाउट। अगर हम यहाँ कंपनी के स्क्रीनर पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है इनका, दिस इज द स्टॉक प्राइस CAGR। स्टॉक प्राइस CAGR का मतलब होता है कि इस प्राइस स्टॉक ने कितना CAGR रिटर्न दिया है पर्टिकुलर पर ईयर के हिसाब से। अगर हम बात करें तो HDFC का 10 इयर्स का 17 का CAGR मेंटेन हो रहा है, और 5 ईयर का 9, और 3 ईयर का 14, और 1 ईयर का 18, तो मतलब मैक्सिमम 10 इयर्स का लेके चलते हैं। तो 10 साल का अगर हम देखेंगे ना, तो HDFC का 17% आया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे TCS के बारे में। तो TCS में जब बात करेंगे तो TCS का जो CAGR होगा आपका, दिस विल बी अ 10 ईयर्स का 15 है, तो HDFC का 17 है और आपका TCS का 15% है, तो मतलब मैं काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, कोई ख़राब नहीं है। हम टाइटन की बात करते हैं तो टाइटन का यहाँ पे हमने खोल रखा है, एंड बैलेंस शीट में जाते हैं तो या प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अगर हम टाइटन का देखें तो काफ़ी हेल्दी CAGR है, 29% है, और 17% HDFC का था, TCS का 15% है, टाइटन का बहुत अच्छा रहा 29%। एंड अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट TCS के बाद इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इन्फोसिस में बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे डायरेक्टली, तो इसका CAGR 14% है। तो ये कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं। अगर हम HUL की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे तो इसका CAGR 16% है। तो मेरे हिसाब से 20% के हिसाब से कोई कंपनी नहीं देती। एक दो कंपनियां ऐसी हो जाती हैं जो आपको अच्छा खासा 17-18% का CAGR मेंटेन कर देती हैं, बट आपको ये भी देखना है कि इसमें आपका ना कोई रिलायंस पावर बन पाता है, ना कोई आपका JP पावर बन पाएगा, ना इसमें कोई आपका सुजलॉन बनेगा, ना आपका इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से मतलब 90% करेक्ट हो गया, ना इसमें कोई यस बैंक बनेगा, तो आपके ये CAGR इसमें रिटर्न मेंटेन करेगी। बिकॉज अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो बात करें, अगर उसमें 20 स्टॉक है, किसी का 16 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, किसी का 29 आ रहा है, तो अगर हम एवरेज देखेंगे, किसी का 90% डूब गया है पैसा, तो ये भी देखेंगे ना, तो मेरे हिसाब से 15-16 के आसपास ही CAGR आपका मेंटेन बैठेगा। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब हम बात करेंगे, तो जब हम यहाँ पे HDFC का मैंने यहाँ पे SIP कैलकुलेटर ओपन कर रखा है। अगर हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, पहले हम बात कर लेते हैं आपकी इन्वेस्टिंग को, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल्स आर सजेस्टिंग कि इन्वेस्टिंग करो, नो डाउट इन्वेस्टिंग इज द वेरी गुड। जब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको बढ़ी हुई अच्छी कंपनियों को, मार्केट लीडर जो कंपनियाँ, उनमें पैसा लगा के छोड़ दीजिए, नो डाउट पैसा बनेगा। बट पैसे को ज़्यादा ग्रो कराना है, पैसे को ज़्यादा काम कराना है, जैसा कि रिच डैड एंड पुअर डैड में लिखा है कि आपको पैसे से काम कराना है, तो पैसे से आपको काम कराना पड़ेगा, तो आपको भी भिड़ना पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ कि आपको भी लगना पड़ेगा, तभी आप पैसे से काम करा सकते हो। अदरवाइज पैसे को आपने लगा दिया, पैसा विल परफॉर्म डेफिनेटली, पैसा आपको रिटर्न देगा, बट अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको खुद भी लगना पड़ेगा। सो अगर हम देखें कि अगर किसी ने बंदे ने 50,000 रुपये पर मंथली 120 मंथ्स यानी 10 इयर्स के लिए लगाए मंथली के हिसाब से, और उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% रहा, तो अगर हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% के हिसाब से देखें तो उनका 60 लाख का इन्वेस्टमेंट रहा, और उनकी जो अर्निंग हुई है 97 लाख की हुई है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहा
1,57,00,000 करा है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न मिला 10 साल में, 17% की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसमें अगर हम बात करें 20% पे चले जाते हैं, क्योंकि यही रहता है 15-20% की रहता है, क्योंकि किसी का 29 आ गया, किसी का 30 आ गया, बट किसी किसी में कम भी रहेगा, कुछ कंपनियाँ लॉस में भी चली जाएंगी कुछ कंपनियाँ, तो ये भी स्टोरी प्ले आउट होगी, एवरीथिंग विल बी प्ले आउट इन दिस इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो 20% बहुत ज़्यादा होता है, इतना बेसिकली मिलता नहीं है कहीं पे भी सीएजीआर। एंड अगर हम बात करें 20% की, तो 20% में आपका क्या खेल रहेगा कि 60 लाख आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 1,31,00,000 रुपए आपका अर्निंग रहेगी, ये आपकी होगी इन्वेस्टमेंट जब आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, विप्रो या फिर इन जैसी अच्छी कंपनियों में शेयर खरीदे। अगर हम विप्रो की बात कर लेते हैं, विप्रो इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, एंड अगर हम विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो का भी सीजीआर काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पे, या 11%। तो नो डाउट अच्छे हैं। अगर आप पेज इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, एंड पेज इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा होगा मेरे हिसाब से, 23% CAGR है। बट इसमें लॉट्स भी कुछ कंपनियां होगी, कुछ कंपनियां डूब भी गई होंगी, कुछ कंपनियां 90% यस बैंक जैसी भी नहीं होंगी, जैसा मैंने अपने पहले रिपीट किया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, जो मैं स्टॉक बताता हूँ कि 30% टारगेट है, अपसाइड पोटेंशियल इतना है, तो वहाँ पर कितना पैसा बनेगा, वहाँ पे बहुत गजब का पैसा बनेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में नो डाउट पैसा अच्छा खासा बनता है। एंड अगर हम देखें स्विंग ट्रेडिंग के पैटर्न पे लें, अगर 50,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट चलता है मंथली के हिसाब से, 120 ईयर की बात करते हैं, और नो डाउट 30% का CAGR मेंटेन करने के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, 30% पैसा बनाना अपने पोर्टफोलियो में इट्स नॉट अ बिग डील। एंड 30% के CAGR से देखें तो क्या कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेशन विल बी अ डेफिनेटली डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे 60 लाख खुद का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, 3,16,00,000 3,16,00,000 रुपए इनकम होगी, जो मैक्सिमम में आपने 20% में कितना हो रहा था, 1,13,00,000 के 1,30,00,000 के आसपास हो, जस्ट डबल, क्या कि आपने सिर्फ आपने 10% बढ़ाया वहाँ पे, मतलब मैं आपने स्विंग ट्रेडिंग की। अगर मैं 30% की बात करता हूँ तो 60 लाख विल कन्वर्ट इंटू 3,76,00,000, मतलब पैसा आपका, सोचिए आपको किस ग्रो से रेट से ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा इस बिहार पे। अगर हम बात करते चलो 30 कभी 25 भी रह गया तो 25 के हिसाब से भी आपका पैसा नो डाउट बहुत अच्छा बनेगा, 2,66,00,000 के आसपास, मतलब टोटल 2,00,00,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा इन द सेंस ऑफ आफ्टर 10 ईयर्स, अगर इस टाइप की CAGR चलती रही तो। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है, इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल आपको बता के दिखाता हूँ। सिर्फ आपका 10 लाख रुपए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और 10 लाख रुपीस में हमने एक इंस्टॉलमेंट किया आपकी, और अगर हम देखें यहाँ पे, या 10 लाख में हमने यहाँ पे क्वार्टरली बात कर लेता हूँ, और 10 लाख, अगर 10 लाख की कैलकुलेशन करें एक इंस्टॉलमेंट के लिए, तो अगर हम CAGR 30% की बात करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी अ वेरी गुड मनी, वेरी गुड मतलब मैं बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना पैसे की डेफिनेटली आवश्यकता हर किसी को है, बट मेरे हिसाब से वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल स्टॉक्स में रहता है, बट आप स्विंग ट्रेडिंग से काफ़ी कुछ पैसा कमा सकते हैं कंपेयर देन इन्वेस्टिंग इन द सेंस ऑफ कि आपको कुछ नहीं करना, यू आर परफॉर्मिंग योर जॉब, या फिर आप जो भी प्रोफेशन में हैं आप वो काम कर रहे हैं, आपने एक बढ़िया सा स्टॉक खरीदा, आपने लेके छोड़ दिया, वहाँ पे भी नो डाउट पैसा बहुत अच्छा बनेगा, बट अगर आपको वास्तव में पैसे को अच्छी तरीके से ग्रो कराना है तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पैसा अच्छा बनेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में रोल प्ले आउट करता है, कि अगर आप 30% हर एक में, कभी कभार ऐसा होता है एक साल में 30% नहीं बनेगा, जैसे अभी 2 साल में 1.5 साल में जो पैसा नहीं बना है, बट आने वाले 2 साल में बन जाएगा, आने वाले 2 साल में आपका साल में डबल हो जाए, ये भी रहते हैं, तो पर वो CAGR, इसी को CAGR बोलते हैं, कि एक साल काम नहीं हुआ है बट अगले 2 साल में आपका 4 साल का रिटर्न मिल चुका, सो दिस विल बी अ वेरी गुड कैलकुलेशन फ्रॉम हियर। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, खासकर स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक जो भारी अंतर है वो समझ में आएगा, भारी इन द सेंस ऑफ कि अगर आपका पैसा, मोटा मोटा बताऊं कि 1,00,000 रुपये आपने लगाया, और अगर वो पैसा 30% से भी ग्रो कर रहा है ना, तो 10 ईयर्स में वो 10,00,000 रुपये हो जाएगा, बिकॉज एक CAGR मेंटेन होता है ना 10% में, 3 साल में अगर पैसा डबल हो रहा है,
तो 3 साल में पैसा अगले 3 साल में डबल होगा, फिर अगले तीन हर साल, मतलब आप 10 ईयर्स में जाएंगे 1 लाख 10 लाख बन जाएगा, और 10 लाख मतलब हर साल पैसा डबल हो गया। तो ये सिर्फ ऐसे ही हो सकता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करें। स्विंग ट्रेडिंग में आपको करने के लिए कई सारे स्ट्रेटेजी मैंने बता रखी है, मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी मिलेंगी, और कुछ कुछ वीडियो मैं बनाता हूँ सिर्फ अपने एजुकेशनल पर्पज़ से। आई फाउंड कि इस टाइप की कैलकुलेशन है, आप उस कैलकुलेशन से अपना डिसीजन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉफिट दैट विल बी इन योर पॉकेट, इफ़ यू आर गेटिंग लॉस दैट विल बी ऑल्सो इन योर पॉकेट। बट मैं लॉस की कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट फॉलोइंग द लॉस सेक्टर। बिकॉज अगर आपने एक बुक पढ़ी होगी तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए द सीक्रेट बुक, उसमें यही दिया गया लॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर लॉस की सोचेंगे तो लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट की सोचेंगे तो प्रॉफिट ही मिलेगा, और प्रॉफिट भी सोचना चाहिए और प्रॉफिट डेफिनेटली आएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि इन्वेस्टिंग अच्छी है या फिर है आपका स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है। नो डाउट बोथ आर गुड, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं, आप कितनी स्टडी करते हैं, और स्टडी करेंगे तो पैसे को आप ज़्यादा काम पे लगा सकते हो, और वनस्पति की आपने एक चीज़ लगा दी वो अपने आप काम करेगा, वो अपना परफॉर्म करेगा। बट इफ यू आर जस्ट उसके साथ आप भी लगे रहेंगे तो जरूर आप ज्यादा पैसा ग्रो करेंगे और जल्दी जल्दी आपकी रिटर्न हेल्दी रिटर्न आउट होंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी हो तो जरूर डालिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ माई कमेंट। अगर उस पर वीडियो बनाना होगा तो वो भी वीडियो बनाऊंगा। सो टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।